इंडियन रेलवे अब इस कवायद में जुट गई है कि वो अपनी ट्रेनों को सही समय पर चलाए। रेलवे ट्रेनों के सही टाइम पर चलाने के लिए जीरो बेस्ड टाइम टेबल बना रहा है। जीरो बेस्ड यानी शून्य आधारित समय सारणी का मतलब है कि रेलवे ट्रैक पर कोई ट्रेन ना हो और एक एक कर सभी ट्रेनों को नए सिरे से समय दिया जाए। भारतीय रेल अपनी 13,000 यात्री ट्रेनों और 8,000 मालगाड़ियों के लिए नए सिरे से टाइम टेबल बनाने में जुटा है और ये 1 नवंबर से लागू होने वाली है। दरअसल भारतीय रेल 1 नवंबर से अपने 700 ट्रेनों की कुल यात्रा टाइमिंग कम करने जा रहा है। इनमें 48 पुरानी ट्रेनों को सुपर फास्ट ट्रेन बनाने की भी योजना है। 48 ट्रेनों की औसत रफ्तार 55 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे ज्यादा की जाएगी। जीरो बेस टाइम टेबल में समान गति और समान दिशा की ओर जा रही ट्रेनों को एक के बाद एक समय दिया जाता है ताकि कम समय के अंदर ऐसी सभी ट्रेनों को रवाना कर दिया जाए। इस तरह की समय सारणी बनाने में मुसाफिरों की सहूलियत का भी खास ध्यान रखा जाता है, यानी कि लंबी दूरी की ट्रेनें रात को चलाई जाएं और वो सुबह मंजिल तक पहुंच जाएं। कुल 21,000 ट्रेनों को नए समय के मुताबिक क्रमबद्ध करना आसान काम नहीं है, इसलिए भारतीय रेल कई साल से इस तरह की समय सारणी की योजना बना रहा है लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया है। न्यूज़ एक्सप्रेस की रिपोर्ट।